हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंगस्टा हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सोनोग्राफी जेल या फिर आप अल्ट्रासाउंड जेल भी कह सकते हैं। दोस्तों इसकी मार्केटिंग बहुत ही बड़ी है और ये बनाने की लागत बहुत ही कम आती है इसे और इसका मुनाफा बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है DM या RO वाटर, जैसा आप जानते ही हैं। फिर हमें दूसरी शील लेनी है, इसमें कार्बोपोल 940। कार्बोपोल चाहिए हमें 940 ग्रेड वाला, ठीक है। अभी मेरे पास मिक्सिंग की मशीन नहीं थी तो मैंने इसमें वीडियो डाल दी है, तो आपको वीडियो से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जो कार्बोपोल पाउडर होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, तो वो घुलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अगर आप इसे हाथ से घोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, और मशीन से घोलते हैं तो इसमें कम टाइम आएगा। एक्चुअली ये मशीन से ही घोला जाता है। ये ऐसे देख पा रहे हैं आप ये स्क्रीन पे कि हम कार्बोपोल और पानी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर रहे हैं मशीन की मदद से। कार्बोपोल इसमें अच्छे से घुल जाने के बाद हमें इसमें ट्राइथेनोमाइन मिलाना है। ट्राइथेनोमाइन थिकनिंग के लिए हमें काम में आता है, तो आपको जितना थिक करना है आप उस हिसाब से इसमें ट्राइथेनोमाइन डाल सकते हैं। मैं देखो मैंने डाल दिया तो ये गाढ़ा और होते जा रहा है, ये बिल्कुल जेल जैसा बन गया है। अगर आपको इसका बड़ा क्वांटिटी में बनाना है, जैसे 100 लीटर 150 लीटर, तो आपको स्टरर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बड़े बैच बनाते हैं तो आपको इसमें हर चीज़ की मात्रा ज़्यादा लगेगी, पानी की, कार्बोपोल की। इसे देख पा रहे हैं आप, ये 100 लीटर का बैच बन रहा है। ये तो इसमें पानी डाल दिया है, कार्बोपोल डाल दिया है, मशीन के हिसाब से मिक्स हो गया है। फिर इसके बाद हमने इसमें ट्राइथेनोमाइन डाल दिया तो ये बिल्कुल जेल जैसा बन जाएगा मिलाने के बाद। ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल जेल जैसा हो गया है। अगर आपको इसको और गाढ़ा करना है तो आप ट्राइथेनोमाइन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये मिलाने के बाद आपको इसमें सिर्फ ओशन ब्लू कलर मिलाना है, वो भी बहुत ही कम, ताकि आपके अल्ट्रासाउंड जेल में ब्लू कलर आ पाए। और ये बहुत ही ठंडा रहता है। तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया DM या RO वाटर 1 लीटर, फिर हमने डाला उसमें कार्बोपोल 940 6 ग्राम, फिर हमने डाला उसमें ट्राइथेनोमाइन 3 ml। ट्राइथेनोमाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप जानते ही हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के बहुत ही अच्छे फॉर्मुलेशन चाहिए तो आप मेरी 675 फॉर्मुलेशन बुक परचेस कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो मुझे इस पर भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी कंटेंट लिस्ट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से आप कंटेंट लिस्ट डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और ऐसे ही देखते रहे हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।